हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं इवैल्यूएशन ऑफ द जॉब एडवर्टीजमेंट। देखो, तो जॉब एडवर्टीजमेंट जब भी निकलती है ना, तो उसको लेकर के हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं कि हमें इस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं है, क्या हम इस चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस वहां पे मांगी जा रही है क्या वो चीज हमारे पास है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम जॉब एडवर्टीजमेंट को इवेलुएट करते हैं, राइट? तो उसके बारे में हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो काफी मजा आएगा। बट इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, आप चाहें तो हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे पास से यू नो क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस बीकॉम वाले ऑप्शन में आना है आपको, हमें ज्वाइन करना है। यहाँ से आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। हर एक सेशन का असाइनमेंट जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे 40% डिस्काउंट पे अगर आप लेना चाहे तो। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि नोट्स मैं अपने वेबसाइट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर देने वाला हूँ, तो वहां पे भी आप सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है? तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए। यहाँ पे आने के बाद आपको बीकॉम न्यू नाम का जो सेक्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ढेरों वीडियोज आपको मिल जाएंगी हर एक प्लेलिस्ट में, जिनको देख करके सुन करके आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ द जॉब एडवर्टीजमेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब मार्केट इज टू लुक फॉर एडवर्टीजमेंट व्हिच अपेरेंटली ऑफर्स द जॉब यू वेर लुकिंग फॉर, है ना? तो जिस तरह की जॉब आपको चाहिए उस जॉब को अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए आपको अपने यू नो खुद को जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार करना होगा। और जो भी एडवर्टीजमेंट आती हैं उसमें से आपको चाहिए चेक करना होगा कि आप किस चीज के लिए सुटेबल हो, आपने कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे जो है आपको अपने जॉब एडवर्टीजमेंट को इवेलुएट करना होता है। But it is not wise to apply for every job openly without evaluating the advertisement for certain aspects, which is in the long run may turn out to be more important for your personal space, growth and satisfaction, and then merely getting emolument, है ना? तो यहाँ पे जो बात बोली है वो ये है कि अभी के टाइम पे जॉब की बहुत कमी है, बट इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे जो इवेल्यूशन ऑफ द जॉब एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया, इसमें यही बात बोली जा रही है कि आपको जो है हर एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, राइट? आप अगर हर एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, प्लस आप कर भी नहीं सकते क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर कुछ और मांग रही होगी तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि आप हर एक जॉब के बारे में ना सोचें, आप ये सोचें कि लॉन्ग रन में कौन सा जॉब आपके लिए बेहतर हो सकता है, कहाँ पे आपको पर्सनल स्पेस मिलेगा, कहाँ पे आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कहाँ पे सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ना कि एमोल्यूमेंट के ऊपर जो कि पैसे होते हैं जनरली, तो उसके ऊपर ध्यान ना देकर के आपको अपने पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल स्पेस, पीस के बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सम ऑफ द की पॉइंट्स यू शुड लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सेंड करने के पहले आपके पास आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को अपने अपने दिमाग में रखना चाहिए, इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन। सो दिस पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीड इट केयरफुली। इफ यू हैव द डिजायर्ड डिग्री और एक्सपेक्ट टू गेट इट सून, अप्लाई अदरवाइज नॉट, है ना? जो बात यहाँ पे बोली गई कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करो, नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो फिर आप कर भी नहीं पाओगे। अगर आप करते भी हो तो भी आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई कि आप अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक करो कि क्या मांग रहा है आपसे। अगर आपके पास उतना है तो फिर आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। अगला है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि देखो मिनिमम एक होता है, मतलब इतना अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेफर्ड का मतलब हो गया कि अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री की हुई है, वो सपोज उन लोगों ने वहां पे लिख दिया कि मिनिमम तो ये है, लेकिन कोई अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा या 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हम उसको जो है ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। किसी ने कोई कंप्यूटर का कोर्स करके रखा है बहुत ही धांसू सा, तो उस केस में उसको उसमें जो है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन वाला टॉपिक आ जाएगा, राइट? सो इन मेनी एडवर्टीजमेंट्स बिसाइड्स द एकेडमिक डिग्री सम एडिशनल प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस आर आल्सो डिजायर्ड व्हिच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। तो जॉब किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वालिफिकेशन डिजायर्ड किया जाएगा, और अगर आपको आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप प्रेफर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप आ सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट, अगर डेटा एनालिस्ट का कोई जॉब होता है द प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मे बी नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड टू बी वेल वर्स्ड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। हो सकता है कि डिजायर्ड, हो सकता है मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका बोल दे कि ग्रेजुएट हो, लेकिन प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में ये भी लिखा रहे
कि आप जो कि जॉब डेटा एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि अगर किसी के पास कोडिंग का नॉलेज है, वो हर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, उसको जो भी वाइटल सॉफ्टवेयर होती हैं उसके बारे में अगर उसके पास अच्छी तरीके से जानकारी है, वो उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाता है, तो हम उसे प्रेफर करेंगे। राइट, आप समझ रहे हो? तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में ये आ जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो बस इतना काफी है, आगे चलते हैं। कंपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द रेपुटेटेड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल हैव देयर वेबसाइट्स वेयर कंपनीज प्रॉफिट इज गिवन। रीड अबाउट अस पेज वेयर कंपनीज मिशन डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस आर गिवन। हेयर यू कैन फाइंड द ग्लिम्पसेस ऑफ द कंपनीज वर्क कल्चर, टाइप्स ऑफ पीपल वर्किंग देयर एंड द हायरार्की। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द वेदर यू कैन फिट इन देयर और नॉट, है ना? तो यहाँ पे जो बात बोलेगी वो सिंपल सा बात है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंपनी का प्रोफाइल आप ठीक तरीके से चेक कर लो कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी कैसी है, उसका प्रोफाइल कैसा है। आप अबाउट अस वाला यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सबका अपना अपना वेबसाइट होता है। आप उनके वेबसाइट में जाओ, अबाउट अस का जो पेज होता है उसको आप ठीक तरीके से पढ़ो कि कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी खुद को आने वाले समय में कहाँ देखती है, कौन कौन सा ऑपरेशंस कंपनी जो है वो करती है, और कंपनी का जो वर्क कल्चर है, टाइप्स ऑफ पीपल, किस तरह के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, और हायरार्की कैसी है, वो आपको देख करके समझने की आवश्यकता होती है कि क्या क्या आप वहाँ पे जाकर के फिट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है ना? तो ये तीसरा पॉइंट होता है जॉब इवैल्यूएशन में। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इफ गिवन इन एड, रीड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब एंड इवैल्यूएट वेदर यू आर प्रिपेयर टू टेक अप दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आप चेक करेंगे कि जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन कौन सी ड्यूटीज आपको निभानी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी, है ना? तो वो चीजें आप वहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हो। आर द वर्किंग आवर्स फिक्स्ड, जो वर्किंग आवर्स है क्या वो फिक्स्ड है या थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कि काम अगर पहले खत्म हो गया तो मैं थोड़ा पहले चला गया, आप समझ रहे हो? डज द एड मेंशन अबाउट द ड्यूटीज इन द शिफ्ट, जो ड्यूटी होगा वो शिफ्ट में होगा, मतलब सुबह 10 से 2, 2 से 10, फिर रात का 10 से सुबह का 2, सुबह का 6, ये किस तरीके से मतलब ये होगा, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो क्या आवर फिक्स्ड होंगे या उसमें शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे? आर यू प्रिपेयर टू वर्क इन अ सेकेंड और थर्ड शिफ्ट और इवन ऑन द वीकेंड्स? क्या आप प्रिपेयर हैं सेकेंड और थर्ड वीक में काम करने, थर्ड यू नो थर्ड क्या बोलेंगे, अभी मैंने क्या बोला था, शिफ्ट में काम करने के लिए या आप वीकेंड्स पे काम करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ही आप अप्लाई करोगे। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज में इन सारे डेट्स पे काम करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ती हो वीकेंड्स पे, राइट? तो अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आप अप्लाई करो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, वीकेंड में आप काम नहीं करना चाहते तो मत करो, है ना? तो आप इवेल्युएट कर रहे हो जॉब की एडवर्टीजमेंट को। अगला है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। नाउ It is better to get yourself acquainted with the future prospects of the company. It is a one cadre post and there are prospects of promotion to higher cadre also, though internal promotion. If you are stagnant at the present post and the post offered ad is of higher cadre, you may apply provided other aspects as described above suit you. है ना? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखने की बात की जा रही है कि सपोज आपको ऐसा लगता है, इट इज बेटर टू गेट योरसेल्फ एक्वेंटेड विद द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एक कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि फ्यूचर में जाकर के वो क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, कहाँ तक वो पहुंच सकती है, इसके बारे में आपके पास जानकारी जो है होनी चाहिए। एक और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि सपोज आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो, वही सेम पोस्ट अगर आपको बगल वाली कंपनी में ऑफर हो रहा है तो क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, अगर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, अगर आपको प्रमोशन मिले तब तो और भी अच्छा है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो हायर केडर होता है, जो अच्छी मतलब जो जिस भी जॉब पे आप अभी हो, जिस भी पोस्ट पे आप अभी हो, उससे बेहतर अगर आपको ऑफर होता है तो आपको डेफिनेटली उस चीज को ज्वाइन करना चाहिए, है ना? कॉम्पेंसेशन पैकेज एंड सन्ड्री बेनिफिट्स। So read the compensation package and other benefits such as medical reimbursement, paid vacation, etc. What is the retirement age, pension scheme, etc. तो इन सब चीजों के बारे में भी आप जानकारी लेने की कोशिश करते हो जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो कि कंपनी का compensation का पेज कैसा, पैकेज कैसा है, मेडिकल रीइंबर्समेंट वो लोग देते हैं कि नहीं वो देते हैं, मेडिकल खर्चा अगर होता है तो क्या वो लोग पे करते हैं वो खर्चा, पेड वैकेशन अगर देते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप कहीं घूमने जा रहे हो उसका खर्चा जो है कंपनी सारा उठा रही है, तो पेड वैकेशंस जो वैकेशंस है वो देते हैं कि नहीं देते हैं, रिटायरमेंट एज क्या है, पेंशन स्कीम क्या है, ये सारी की सारी जानकारी आप लेने की कोशिश करते हो जब भाई आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेचर ऑफ द जॉब, फुल टाइम, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट।
आपका जो जॉब है वो कैसा है, फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, या फिर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के टाइप का जॉब है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। सो आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट अ जॉब ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं, इज इट अ फुल टाइम रेगुलर जॉब और अ पार्ट टाइम जॉब, जो जॉब है वो फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है। आफ्टर नोइंग ऑल दिस डिटेल्स अबाउट द जॉब एडवर्टाइजमेंट यू डिसाइड टू अप्लाई। इन सारी चीजों को जानने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो दीज आर द सेवन इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन पॉइंट्स जिसके ऊपर आप इवेल्युएट करते हो कि आपको किसी जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।